हमारे सेकंड ऑडिशन राउंड है जो कि आज हमारे ऑडिशन से यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। कि आपने इंट्रोडक्शन राउंड में आपने बोला था कि आपका ग्रैंड चाइल्ड भी है, तो ये ब्यूटी फिजन में आपको या में आपको फैमिली का साइड से सपोर्ट कैसा है, लाइक ऑल का साइड से कैसा है? थैंक यू फॉर क्वेश्चन। मैं तो क्या कहूँ, यहाँ आके ऐसा लगा है कि मतलब कि मैं दुनिया से सबसे ऊँचा में खड़ा हूँ, और मेरा फैमिली से इतना सपोर्ट आया है कि मेरा बच्चा लोग, बहू लोग मेरा साथ, पूरा फैमिली से मेरा साथ में है स्पेशली। और मैं सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं यमी मैम, पापी मैम और यमी मैम को मैं सबसे पहले मैं उन्हीं से थैंक्स कहने चाहूँगी, और उनका वजह से मैं आगे आया और फैमिली मेरे साथ फुल सपोर्ट है, थैंक यू। और मैम ना मैम, आप एक कंटेस्टेंट हैं इस बार का, ये फर्स्ट एडिशन है जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस तो क्या कहूँ, मेरा तो पहले चलने भी नहीं आता था, बोलने भी नहीं आता था, अभी यहाँ आके बहुत कुछ सीख लिया और आगे जाके मैं और भी सीख पाऊँगी, थैंक यू। मैम जैसे कि ऐसे वुमेन आप लोग का बहुत सारा घर का काम साम भी होगा और ऑफिस वर्क भी होगा, तो वो सबको मैनेज करके आपने कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया? वेल थोड़ा मुश्किल था, फिर भी अपना लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है हम औरत के लिए आगे बढ़ने के लिए। ये इन सब हमारा ये योमी मैडम, पापी मैडम और यमी मैम का बदौलत ही हम सब यहाँ आ पाए हैं। और ये घर और उसके लिए तो समय निकालना तो हम सबों के लिए मतलब काफ़ी मुश्किल होते हैं हम औरतों के लिए, तो बस निकाल लिया है कि ऑफिस वगैरह हम लोग जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ छुट्टियाँ ले ली, इस मतलब इसको आगे रखते हुए कि हम उस चीज़ के लिए जा रहे हैं, इस रीज़न के लिए जा रहे हैं, तो बहुत मतलब तकलीफ था कुछ, लेकिन फिर भी हमने अपना लिए समय निकाला। मेरा नाम है गंजांगा का, एक्टर कम डायरेक्टर है, और आज जो हमारा लोअर सुबनसिरी, मिसेस लोअर सुबनसिरी यहाँ पे सेकेंड एडिशनल ये ऑडिशन हुआ गया है, यहाँ पे हमको जज के लिए बुलाया गया है, और मैं कॉन्टेस्टेंट को यही कहना चाहूँगा कि जो इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, इस बार फर्स्ट बार हमारा ये मिसेस लोअर सुबनसिरी ऑर्गेनाइज किया गया है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा ये कॉन्टेस्टेंट को और ये चीज़ को हमेशा बरकरार रखिए, और ऐसा बात नहीं है कि ये हर कोई सोचता है कि कोई कोई लोग सोचता है कि ये चीज़ में लड़की नहीं जाना चाहिए, औरत होते हुए भी ये चीज़ में जाता है बोल के ना, कोई कोई हमारा सोसाइटी में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ अच्छा चीज़ है, और
आजकल का ये जनरेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ज़माना में ऐसा था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सब कुछ मॉडर्नाइज है लेकिन जनरेशन का साथ चलना चाहिए और ये चीज़ को हमेशा आगे बढ़कर रखना चाहिए बोल के मैं ये कहना चाहूँगा। में जितना भी हमें जो वुमेंस है वो लोग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइक ये सब चीज़ में आगे बढ़ने के लिए? हाँ, जहाँ तक कि ये जो मिसेस लोअर सुबनसिरी का जो ये 2023 का जो फर्स्ट एडिशन हिस्ट्रिकल जो हमें प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें मैं तो यही अपील करूँगा कि जितना भी जो वुमेन है लोअर सुबनसिरी का जो मैंने पहले बोला है सोसाइटी का बाइंडिंग बाउंडेज में और फैमिली का पति का बाउंडेज में जो आप लोग जो रिस्ट्रिक्ट होकर बैठा हुआ है सोसाइटी का साथ में अपना पर्सनल एक्सपोजर को भी करना है। और आज मैं कमेटी से अभी डिस्कस हुआ है तो उन लोग का जो अभी जितना भी अभी ऑडिशन किया है कुछ लोग कुछ रीजन से नहीं पहुंच पाया है तो एक इवेंट में 15 to 20 तक होने से भी एक इवेंट हो जाता है, सुंदर इवेंट हो जाता है। और अभी कमेटी ने हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि अभी ऑनलाइन ऑडिशन भी होगा तो इसलिए मैं अपील करूँगा तो जो आज यहाँ में नहीं आ पाया है किसी का समोर अदर रीजन में उसको मैं भी इन्वाइट करना चाहूँगा। आप ऑनलाइन में ऑडिशन दीजिए और आप आइए ना। और दूसरा चीज़ जो है जो यहाँ में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत हाईली ये लोग एक्सपीरियंस तो चेयरपर्सन जो है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2022 रनिंग है और जो उसका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सेक्रेटरी जो है वो भी रनिंग मिसेस अरुणाचल 2023 तो उन लोग यूनिवर्स नेशनल लेवल स्टेट लेवल में जीत के आया है तो वो अपना एक्सपीरियंस को जब लोअर सुबनसिरी में लेके उसको यहाँ में वुमेनों को अवेयरनेस देना चाहता है कुछ उसको आगे ले जाना चाहता है तो उसमें मैं यही कहूँगा कि सब लोग आगे आइए कम फॉरवर्ड और व्यूवर्स को भी स्टेक होल्डर को भी मैं खास करके आवाज़ आप पता नहीं वुमेन एसोसिएशन को ऐसा मौका में आप लोग भी आइए कमेटी को आप लोग कंसल्ट कीजिए एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए और होप फॉर ग्रैंड फिनाले जो बहुत अच्छा होना चाहिए तो नागोपुत में सब आइए हम लोग विटनेस करेंगे। थैंक यू सर। और क्वेश्चन है कि सर आज का जज आप रहा है तो आज का जज होते हुए सर जो आज पार्टिसिपेंट्स हुए आपका एक्सपेक्टेशन एक पार्टिसिपेंट्स पे कैसा एक्सपेक्टेशन रहा है सर? हाँ, हमको एज जज हमको ऐसा ऑब्जर्वेशन एक आया है जो बहुत देर तक घर में ये एक्सपोजर को एक्सरसाइज नहीं करके बहुत घर में ऐसा बैठ के जो अचानक एक बार निकल जाता है नर्वसनेस भी होता है तो इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखना है। आप घर में कहीं में आपको बंदेज में अंदर कंपर्सन में आप रखते रहेगा एक बार छोड़ देगा तो नर्वस हो जाता है। इसलिए थोड़ा मैं सोसाइटी को ये अपील करूँगा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ना अपना हस्बैंड वाइफ दोनों कोऑपरेट करके एक्सपोजर आने दीजिए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आज हम बहुत अच्छा लगा है इतना ये मर्डर्स ना सो मैनी मैंने चिल्ड्रेन ना चिल्ड्रेन का जो माँ भी आया है बहुत अच्छा लगा रियली बहुत इंकरेजिंग है और मतलब ये एक्सपीरियंस था आज ना तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे एडवाइज़र यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेशन किया गया है आज जो मिसेस लॉर्ड सुबनसिरी में तो आप वो लोग को आपका साइड से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हागे नन्या। मैं ये आज जो पूरा पापी कोच बाया वो लोग मिसेस लॉर्ड सुबनसिरी के लिए पार्टिसिपेट करेगा बोल के आज ऑडिशन ज़्यादा आया है बहुत अच्छा लगा। हम सपना भी नहीं देखा था तो ऐसा होगा बोल के वो लोग अभी का ज़माना में वो लोग पढ़ा लिखा है बहुत अच्छा है इसलिए वो लोग करेगा बोल के खुद मिसेस अरुणाचल मिला है बोल के दूसरा को भी सिखाएगा बोल के कर रहा है। हम तो बहुत अच्छा लगा ऐसा करना है। भगवान हम लोग को पूरा टैलेंट दिया है अंदर में हम लोग औरत लोग छुपा के रखा है ऐसा नहीं रखना है इसको भी निकालना है। ऐसा है भगवान सब कुछ देता है तो लड़की ऐसा नहीं करना है तो औरत ऐसा नहीं करना है बोल के बाहर से आदमी लोग बोल रहा है इसके सुन के हाँ हम लोग लड़की है हम लोग औरत है नहीं सकेगा ऐसा बोल के ऐसा नहीं आना है खुद ताकत आना है खुद के लिए कुछ करना है। ये आज का दिन में बहुत खुश है ना ऑफिस नहीं गया है ना खेती नहीं गया है
यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म में आके बहुत खुश है। खुश है कि नहीं आप लोग? बहुत खुश है, ऐसा करना है। लेकिन ऐसा है, पति पत्नी मिलके रहना है, तो सिर्फ पति ऐसा नहीं करना है, पत्नी ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना। दोनों का बीच में भगवान है, पति को भी भगवान मानो, पत्नी को भी भगवान देवी देवता मानो, तब अच्छा हो जाता है। साथ में चलने से बहुत अच्छा है। तो हम लोग बेटा भी बेटी भी एक है, सब सबसे बड़ा है माँ। माँ बेटा को भी दूध पिलाता है, बेटी को भी दूध पिलाता है, सब एक ही है, ताकत भी एक ही है। ऐसा करके हम लोग एक साथ चलने से हम लोग का जीरो का भी अच्छा होगा, अरुणाचल का भी अच्छा होगा, साथ में मिलके करने से अच्छा होगा। लेकिन अंदर में ईगो नहीं रखना है, चौथा मोटा चीज़ को पकड़ के दिमाग में मत रखो। जगर करने से अभी करो, अभी छोड़ दो, तब ठीक होता है। सोसाइटी में एक साथ चलेगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। करेगा बोल के करने से सब कुछ अच्छा होता है, करेगा कि नहीं करेगा कहीं नहीं, ऐसा करने से वो तो ठीक नहीं है। अभी भी आज ऑडिशन में बाकी लोग आने के लिए तकलीफ है, समय नहीं है, ऐसा बोला है। तो अभी मैं लास्ट तो वो लेगा बोला है, ऑडिशन ऑनलाइन से करेगा बोला, आप लोग सब आ जाओ, ऑडिशन हो गया बोल के मत बेटो, खुद के लिए एक दिन समय निकाल के करो ना। समय हम लोग का गाड़ी का चक्का जैसा चल रहा है, समय के पकड़ के अच्छा चीज़ को पकड़ के करना है खुद के लिए। हम लोग बार बार खेती जाएगा, ऑफिस जाएगा, बच्चा और क्या क्या, पूरा घर का काम सिर्फ होने से नहीं होगा। जिंदगी में एक बार है ये दुनिया में आएगा, एक दो दिन तो खुद के लिए करना है, होगा। थैंक यू मैम। जो अभी ये प्रोग्राम का ड्यूरिंग में ये मेंशन किया गया था कि ऑडिशन तो ओवर हो गया ऑफलाइन, बट ऑनलाइन भी होने जा रहा है, मेंशन किया गया था, तो उसे थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, या जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया वो लोग को। ओके, ये हम लोग का ये सेकेंड ऑडिशन था। गया बार का जो गया सैटरडे में जो ऑडिशन हुआ था, वहाँ पर भी काफ़ी कंटेस्टेंट आया था, तो आज का सेकेंड ऑडिशन में और ज़्यादा आया। तो अभी हम लोग ऑफलाइन ऑडिशन तो यहाँ तक तो खत्म हो गया, अभी ऑनलाइन करेगा, ये मई का लास्ट तक करेगा। तो मई का लास्ट में आप लोग को मेरा नंबर दिया जाएगा, तो आप लोग वो नंबर में हमको कॉल कीजिए, और आपका जो वीडियो है, आपका जो चलने वाला कैटवॉक ये सबको बनाकर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ से हम आप लोग को ले लेगा। और जो भी आज नहीं आ पाया वो आइए, हम मेरा नंबर को दे देगा। और मेरा नंबर को देखना है तो आपका हम बैनर में भी लगा कर रखा हुआ है, तो अब मेरा बैनर जो यहाँ पर तीन जगह पर लगा कर रखा हुआ है, एक विशाल का सामने में, और एक या डीसी ऑफिस का सामने में, और एक या ओल्ड जीरो में। तो वहाँ पर मिसेस कोचबाया एसी सेक्रेटरी वो के नीचे में नंबर दे के रखा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरा कुछ नंबर उस पर आप लोग कॉल कीजिए हमको, हम एनी टाइम आप लोग को रिसीव करेगा और हम लेगा, क्योंकि ये फर्स्ट एवर है, तो कोई भी इसका इतना नॉलेज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इस बार कंसिडरेशन रखा है कि लास्ट मे लास्ट तक हम जितना भी कैंडिडेट आएगा उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा और उसको लेगा बोलकर। मैम जो पार्टिसिपेशन था वो लोग को आप क्या मैसेज देना चाहता है? जो अभी जितना भी किया है बहुत टैलेंटेड लोग था, और देखा है तो ग्रैंड मदर भी आया है, उसका पोटा पास टू है बोला है, तो देखकर बहुत अप्रिशिएट लगा है, खुद को भी मतलब बहुत ताकतवर एक वोमेन समझ रहा है वो लोग को देखते हुए। तो जितना भी था बहुत टैलेंटेड था, और हम तो सोच रहा था कि मतलब थोड़ा लोग नर्वसनेस होगा कि ऐसे से मतलब सोच रहा था, बट ऐसा नहीं था, सब लोग इक्वली टैलेंट था और काफ़ी सुंदर भी था। और ये सब को हम विश दे रहा है कि आप लोग और ऐसा ही करते जाइए और ऐसा ही सीखते जाइए, और सोसाइटी में काम करने के लिए आप लोग को अपना साइनेस को और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, और ऐसा ही आप लोग करते रहिए, और हम लोग भी आप लोग को सपोर्ट करते रहेगा।